हेलो फ्रेंड्स, जो कोई भी यूपी बोर्ड टेंथ में था इन साल जो है उनका यूपी बोर्ड टेंथ का एग्जाम था, तो फाइनली जो है उन लोगों का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल न्यूज़ है। आप जो है जो यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा, उनके जो है आप ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि जो है यूपी बोर्ड टेंथ वाले जो हैं उनका एग्जाम जो है कैंसिल करके सीबीएसई की तरह जो है उनको आगे की क्लास में जो है उनको प्रमोट कर दिया गया। तो यूपी बोर्ड टेंथ के जो हैं वो अब जो है अब आगे की तैयारी करें, जो भी उनका जो है इलेवेंथ में जो भी सब्जेक्ट ले उस सब्जेक्ट का जो है वो बाकायदे प्रिपरेशन करें। अब जो है उनका जो है लगभग एक डेढ़ महीने के बाद जो है उनका फाइनली रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यूपी बोर्ड टेंथ का एग्ज़ाम जो है अब जो है वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कैंसिल हो गया है। और यूपी बोर्ड ट्वेल्थ की बात करें तो यूपी बोर्ड ट्वेल्थ वालों का जो एग्ज़ाम है वो ध्यान रहे उनका जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। और यूपी बोर्ड ट्वेल्थ जो हैं ट्वेल्थ में जो कोई भी हैं उनके एग्ज़ाम की बात करें तो उनका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह से जो है उनका एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाएगा। कुछ दिन में जो है टाइम टेबल जो है वो आ जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया है कि जो आपका जुलाई के दूसरे सप्ताह से ट्वेल्थ वालों का एग्ज़ाम होगा, यदि कोविड-19 की स्थिति ठीक रही तब, यदि स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो हो सकता है और ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है। और लगभग जुलाई के लास्ट वीक से जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल के लिए अभी कोई ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो है यूपी बोर्ड टेंथ का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और यूपी बोर्ड उन्होंने यह भी बताया है कि यूपी बोर्ड ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो है दूसरे सप्ताह जुलाई के दूसरे सप्ताह से जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो कोई भी यूपी बोर्ड टेंथ में था उनको सबको बधाई कि उन लोग जो है इस तरीके महामारी में जो है उन लोगों ने जो है बिना एग्ज़ाम दिए जो है सीबीएसई की तरफ वो लोग भी पास हो गए। हालांकि ट्वेल्थ वालों के साथ ना इंसाफी किया गया, लेकिन फिर भी जो भी ट्वेल्थ में हो उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट। वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, कोविड-19 से बचे रहें और अपनी पढ़ाई जो है प्रिपरेशन करते रहें। और जो कोई भी टेंथ में था इन साल वो अपना सोच समझ कर जो है इलेवेंथ में एडमिशन लें। सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।